अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मुझे खैर से होंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग बैक टू मर्डी चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद हमारा राइड का प्लान था, 3 दिन से हमारा राइड का प्लान बना था, लेकिन फाइनली आज हम फंडे को मनाने के लिए हम निकले हैं। बावलपुर में रुके हुए हैं, आई लव बावलपुर पे। सर अदनान आ चुके हैं, हैदर आ चुका है, सर डॉक्टर आगा खान आ चुके हैं, ये अहमद भाई आ चुके हैं, मतलब अभी कुछ बंदे रह गए। उमर भाई आ रहे हैं, उमर भाई के पास जाएंगे आज हम, उमर भाई के आज हम फार्म होते जाएंगे, उमर सर के फार्म होते, मतलब समझ गए होंगे। एनीवेज अभी हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे उधर रुके हुए कुछ हमारे पास ये हैं और लड़के हमारे इकट्ठे हो गए। बस थोड़ी देर हम रुकेंगे और हम निकलेंगे। आज हमारी राइड होने वाली है नवाब भाई। सर कैसे? ऐसे काफ़ी दिनों बाद राइड हो रही है यार, बहुत बेताबी यार। आप बहुत लेट है, आपने टाइम देखे ज़रा? नहीं, सर रेडी? इंशाल्लाह रेडी। हमारे गुरु, ऑफ रोड गुरु हमारे साथ आज राइड करेंगे, द छोटा गुरु द बड़ा गुरु। सर चलें। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم। आज की फंडे राइड का बाकायदा आगाज़ हुआ जाता है। अभी हम चल रहे हैं हासिलपुर रोड और आगे हम टर्न ले लेंगे DHA वाली रोड, कायद आजम सोलर पावर रोड, और हम जाएंगे आज सर उमर के फार्म हाउस पे। इकट्ठे पेट्रोल पंप पे रुकेंगे। अली भाई और कुछ एक और भाई हैं, उनकी बाइक का कोई इशू था, वो लेट स्टार्ट हुई है तो वो हमारे पीछे, तो हम उनका वेट करेंगे, हम इकट्ठे जाएंगे। हमारा सीन ये है कि भाई यहाँ पे आपने जो हम राइड करते हैं वो ये है कि भाई भगाना नहीं है, इजी आपने राइड इंजॉय करनी है और एक मतलब एक कंपनी हो जाएगी बस। तो अब अगर जो हम हमारे ग्रुप में जो भगाता है तो हम उसको लगाते हैं जुर्माना। आई होप के अपना एंगल ठीक आ रहा हो। बाइक आ चुके हैं, बाइक सारे आ चुके हुए हैं, एक बाइक नहीं आ चुका, वो है सुभान भाई। सुभान भाई अगर अभी वीडियो देख रहे हैं, ये व्लॉग देख रहे हैं, पर हम आपको मिस कर रहे हैं। उनका वो आ चुके थे, वेन्यू पे आ चुके थे, वहाँ से जब रवाना होने लगे हैं, हमारा स्टार्ट होने लगी है तो उनका बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। हमने सारे हरबे किए हैं बट अली भाई ने कहा कि यार उनका बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो अब उनको हम पीछे छोड़ के आ रहे हैं। मिस करेंगे सुभान भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड अपनी चलती रहेगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड में हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी हम चल रहे हैं, एक 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 छोटा सा घेरा लगाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद ऐसी राइड मिली है, मतलब सुकून में। हमें कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाना है, मतलब हमने एक लोकेशन रखी हुई थी सर उमर के फार्म हाउस पर जाना था, और एक दो रास्ते हमारे पास, एक शहर के अंदर से था वो जो बहुत ही नज़दीक था, एक था बारो बार मतलब बाईपास करके शहर को, तो हम बाईपास करके जा रहे हैं और मज़ेदार राइड है यार, सुकून, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, साथ पर कैनाल चल रही है और सड़क पर हमारे बाइक चल रहे हैं, मतलब धड़ल्ला मत चाहते हुए जा रहे हैं हमारे बाइक। ये वाला फॉर्मेट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं, और मुझे लगता है बाइक राइड करनी ही ऐसी चाहिए,
एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, इससे ना आसानी होती है, एक आपको भी आसानी होगी, आपका रास्ता क्लियर है, उस भाई का भी आसानी होगी, उसका रास्ता क्लियर है। जब लाइन में जाते हैं एक दूसरे के पीछे तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप ग्रुप मेंबर्स अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप केयरफुल रहा करें, ऐसे आप राइड किया करें। फाइनली सुभान भाई आ चुके हैं, ब्रो आ चुके हैं फाइनली। हम सोच रहे थे कि भाई सुभान भाई मिस हो चुके हैं, बट भाई कमाल कर दिया, ज़बरदस्त। हमारी राइड इख्तिताम पजीर हो चुकी हुई है, बोले तो रिंग रोड, बोले तो कनाल रोड, मतलब बड़ी अच्छी मज़ेदार राइड थी, मतलब दरख्तों भरी सब्ज़ा। और ये अब हम चल रहे हैं सर उमर के फार्म हाउस पे, मज़ेदार राइड थी यार, ये चीज़ चाहिए थी, काफ़ी दिनों से राइड वगैरह हो नहीं रही है, मौसम भी चेंज हो गया है। ये आ चुके हैं सर उमर के फार्म हाउस पे, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? कैमरा चल रहा है सर, ऐसे करें सर, ये अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बाइकर हैं, ये हमारे दोस्त, और ये हमारा सिस्टम बना हुआ है मीटअप का। हम पहुंच चुके हैं मीटअप पॉइंट पे, और एक बंदे का जो मैं बोल रहा था भाई, मैंने कहा सुभान भाई इस मीटअप से फिनिश हो गए हैं, मरहूम हो गए हैं, बट उन्होंने भाई हिम्मत नहीं हारी और ऐसा नहीं हो सकता। ये आ चुके हैं, हम देखें राइडर्स को नहीं छोड़ सकते, यू नो ये लव जो है ना। हो गया था बाइक को, क्या हुआ था बाइक को? यार पंचर हो गया था, तो पंचर लगा उसका सेल्फ नहीं उठा रहा था, वो भी सर्विस करवा गया दोनों। फिर मैंने कहा इकट्ठे निकलते हैं, तो फिर इकट्ठे जब हम पहले रुके थे ना, और फिर हम पहले पहुंच गए, शॉर्टकट मार गए, गुड हो गया। जब हम पहले रुके थे, हम इन्हीं की वेट में रुके थे, अली भाई ने कहा इनका बाइक खराब हो गया, मैंने कहा यार चले आप आ जाएं, वो उनका पता नहीं कहाँ छोड़ के आ रहे हैं। फिर हम शॉर्टकट मार गए हैं उधर से, तो DHA में हमने राइड भी की मारी है। अच्छा। और हमने फिर हमने कहा चलो आपकी वीडियो बनाएंगे, वहाँ खड़े अच्छा वीडियो बनाई है, अच्छी वीडियो आपको दिखाएंगे वीडियो। ओ भैया ऐसा है कि मेरे जो कैमरा उसकी बैटरी डेड हो गई है, तो अभी हम सर उमर के पास आए हुए। सर शहजाद भाई यहीं से मुलाकात नहीं है शहजाद भाई, तो अपने दोस्त। सर सर ये तो बहुत तकलीफ कर दिया आपने सर। खान साहब यार उमर के पास हमें आने के दो चाव बहुत शदीद होते हैं। एक तो मुलाकात बहुत मज़ेदार होती है, एक चाय का तो नाम ही होता है, उमर मदारत बहुत ज़्यादा करता है बल्कि ओवर कर देता है, और जहाँ तक चाय की क्वालिटी है मेरा ख्याल चाय ऑफ द ईयर होती है हमारी। भाई बताएं फाइनल वर्ड इसकी बैटरी डेड है। अरे माशाल्लाह यार बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था उमर भाई ने, बड़ा अच्छा किया। हम पहले तो बात है थैंक्स करते हैं उमर भाई का और इन सब भाइयों का जिन्होंने यहाँ शिरकत करी इस इवेंट को, काफ़ी उन्होंने चार चांद लगाए, और अब मुझे इजाज़त दें मुझे। उमर भाई ने बड़ा पुरतकल्लुफ किस्म का इंतज़ाम किया हुआ है, कहने को चाय है लेकिन फुल फ्लैग खाना ही हो गया है, और चाय वाकई बड़ी मज़ेदार थी, शुक्र मेला लग रहा है, सारे इन्जॉय कर रहे हैं। ओके भाई ने खा पी लिया, उसके बाद अब चलेंगे वो चलाने के लिए। चम्मच भी है, बस ठीक है। साहब किधर हैं?
ये मेरी वीडियो में चाय अहमद साथ में केक आ जाए अहमद इसको करें डीप थोड़ा वेट करें और उमर भाई अगर चाय भी स्टार्ट कर दें तो सबको टक्कर दे जाएंगे भैया ये था व्लॉग ये थी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़।